लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों में एक शख्स ने कर दिखाया कमाल। अकेली चेवांग नॉर्वेल ने कई कृत्रिम ग्लेशियर बनाए, जिससे मिला सैकड़ों गांवों को फायदा। देखिए भारत के इस ग्लेशियर मैन की अनूठी कहानी। साल के 7 महीने बर्फ से ढका रहता है लेह लद्दाख, पर फिर भी यहाँ के किसान 2 बूंद पानी को तरसते हैं। उस पर से ग्लोबल वार्मिंग की चपत, इन सब की सहायता को आया भारत का ग्लेशियर पुरुष चेवांग नॉर्वेल। ये कहानी है इसी इंसान की। सन 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब चेवांग नॉर्वेल को पद्मश्री से नवाजा था, तो कुछ लोगों को हैरानी जरूर हुई होगी। कोई बहुत जाना पहचाना नाम तो है नहीं, ये नाम भी ऐसा जो एक बार आसानी से बोला या याद न रखा जा सके। नेताओं, अभिनेताओं, उद्योगपतियों और तमाम ऐसे लोगों की भीड़ में चेवांग नॉर्वेल को ढूंढना आसान नहीं होगा। छोटे से कदकाठी के मालिक 80 वर्षीय चेवांग ने वो कर दिखाया कि आज दुनिया उनकी कायल है। इन्हें भारत का ग्लेशियर मैन भी कहा जाता है। आज चेवांग नॉर्वेल की बदौलत लेह लद्दाख के सैकड़ों गांवों में लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इस क्षेत्र की आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी चेवांग नॉर्वेल को। नॉर्वेल साहब की कहानी को समझने के लिए जाना होगा करीब 20 साल पहले के लद्दाख में, उस खूबसूरत पहाड़ी इलाके में जहां आज सैलानियों का मेला लगा रहता है। जहां के ऊंचे पहाड़, नदियां और मठ मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। लद्दाख की खूबसूरती अपनी जगह है, और इस खूबसूरती के बीच छिपा यहाँ के किसानों का दर्द अपनी जगह। इसी दर्द को महसूस किया चेवांग नॉर्वेल ने। दरअसल खूबसूरत लद्दाख में खेती करना बेहद मुश्किल काम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी की कमी। लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है। बारिश यहां न के बराबर होती है। ऐसे में खेती कर जीवन बसर करना लगभग असंभव है। इस सूरत हाल पर चेवांग नॉर्वेल कुछ यूं रोशनी डालते हैं। मैं तो एक फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम ये खेती बड़ी बचपन से करते आ रहे हैं। अच्छा। तो आप देखें ना,
जब तक पानी नहीं हो तो फार्मर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे हमारा दिक्कत होता है पानी का, ख़ासकर सोइंग सीज़न में। तो मैंने एक दिन मुझे ख्याल आया, अगर मैं सर्दी में, आप देखो ना सर्दी, यहाँ सर्दी इतना ठंड हार्श विंटर होता है कि किसी किस्म का गौर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ये इतना पानी, इतने 3-4 महीने ज़ाया हो जा रहा है, अगर इसको कहीं से हम इसको इन फॉर्म ऑफ आइस इसको कंजर्व कर सकें तो ये ज़मीन के लिए काम में आ जाएगा। तो ये सोच के फिर मैंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए। लद्दाख के ज्यादातर हिस्से साल के 7 महीने बर्फ से ढके रहते हैं, ऐसे में खेती कुछ समय के लिए ही हो सकती है और उस पर पानी की मार। छेवांग नॉरफेल बतौर इंजीनियर जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमे से रिटायर हुए 90 के दशक में, लेकिन नॉरफेल ने चुपचाप घर बैठने के बजाय लद्दाख के किसानों के लिए कुछ करने का सोचा। सबसे पहले तो देखिए ना, मैं यहाँ एक फुक्से वैली है, वहाँ एक ही वैली में 3-4 बड़े बड़े हेमलेट्स हैं, उनको कोई साधन नहीं था, उसका कहीं से कोई स्कोप नहीं था, पानी कहाँ से लें। तो मैंने सोचा यहाँ अगर हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बन सके तो शायद ये इनके लिए काम आ जाए। तो ये सोच के फिर मैंने सबसे पहले मैंने ट्रायल किया है इस फुक्से वैली में। इसी दौरान विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का असर भी देखने को मिला, लद्दाख भी इससे अछूता नहीं रहा। नॉरफेल ने दो चीजों पर गौर किया, एक तो ये कि बढ़ते तापमान की वजह से नदियों का पानी जल्दी भाप में परिवर्तित हो रहा था। इसका सीधा असर यह हुआ कि खेतों में कम पानी पहुंचने लगा, और दूसरा ये कि ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत लद्दाख के ज्यादातर ग्लेशियर सिकुड़कर पीछे सरकने लगे। छोटे और दूर होते जा रहे ग्लेशियर किसानों की निराशा का सबसे बड़ा मुद्दा बने। लद्दाख में बुवाई का वक्त शुरू होता है अप्रैल के महीने में, यही वो समय है जब बर्फ का पिघलना भी शुरू होता है। पहले यहां ग्लेशियर से निकला पानी अप्रैल तक खेतों तक पहुंच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण है ग्लेशियर का दूर हो जाना। अब ये पानी जून से पहले खेतों में नहीं पहुंचता और इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ता है लद्दाख के किसानों को। पानी के अभाव में वो अप्रैल से जून तक कोई बुआई नहीं कर सकते। प्रकृति की इस बेरहम मार का इलाज निकाला छेवांग नॉरफेल ने। उन्होंने सोचा क्यों ना गांव के पास ही कुछ कृत्रिम ग्लेशियर बना ले। गांव के पास होने की वजह से इसका पानी अप्रैल में ही खेतों तक पहुंच जाएगा। छेवांग नॉरफेल मुस्कुराकर बताते हैं कि पहले तो किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, कईयों ने तो उन्हें सरफिरा करार दिया, लेकिन छेवांग नॉरफेल भी कहां रुकने वाले थे। पहले तो किसी को यकीन नहीं था कि ये कामयाब हो गए नहीं। मैंने कहा जैसे वैसे हो, हम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं, होता नहीं। जब फिर पहले तो हमने छोटा सा बना है, तो उसे हमने जब मैं उस वो बना के नेक्स्ट ईयर वहाँ देखने के लिए गया था, लोगों से पूछा कैसा हो, वो लोग बड़ा खुश थे, हाँ ये तो होने वाला है, ये हो सकता है। तब जाके मुझे भी हिम्मत आ गया, आप इसको अब आगे बढ़ना चाहिए। गांव वालों की मदद से उन्होंने पहला कृत्रिम ग्लेशियर बना दिया और इसका फायदा भी तुरंत देखने को मिला। और फिर क्या था, लद्दाख के कई दूसरे दूर दराज के गांवों में भी ऐसे ग्लेशियर बना डाले। इसके बाद तो छेवांग नॉरफेल ने पलट कर नहीं देखा।
उसके बाद तो हमने कई गांव में बना है, मिलन शक्ति हो गया, नंग हो गया, अस्तकमो हो गया, हाँ वो मूत हो गया, तो टोटल कोई 10-15 हमने ग्लेशियर बनाए हैं। अपने काम को समझाने और करीब से दिखाने नॉर्फेल हमें ले गए नांग गांव में। काफी बड़ा गांव है नांग, लेह से करीब 50 किलोमीटर दूर। नांग के लहलहाते खेत गवाह हैं छेवांग नॉर्फेल की सोच और सफलता की। गांव के बगल में ही पानी की इस धारा के पास उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की जगह चुनी। अभी देखिए, अभी हम ग्लेशियर के एंड में बैठे हैं, ये मेन स्ट्रीम और ग्लेशियर के संगम है। तो ये देखो ना, ये मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम में अब विंटर में इसका 1 फुट ही रहेगा पानी, इतना पानी नहीं होगा। आप ये दिन ब दिन ये पानी घटते जाएगा, तो क्या होता है विंटर में ये सारा पानी वेस्ट जाता है, क्योंकि विंटर में यहाँ कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा अगर ये पानी को इन द फॉर्म ऑफ आइस कंजर्व कर सके, स्विंग सीजन में ये कम आ जाए, क्योंकि स्विंग सीजन पीरियड जो है ना हमारा बहुत ही क्रुशियल पीरियड होता है। उस वक्त हमें यहाँ पानी कम होगा, और इतना आपने देखा गाँव कितने बड़े हैं, उनका पूरा ये पानी सफिशेंट नहीं होता है। तो ये ग्लेशियर के पानी से ये इसको सप्लीमेंट करते हैं। हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर के बिल्कुल एंड में अभी बैठे हैं, तो इस तो हमने क्या किया, इस पानी को वहाँ से डाइवर्ट करके इस नाले में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने के लिए हमने इसको डाइवर्ट किया, और यहाँ बीच बीच में आप अभी देखेंगे वो वाल लगे हैं। सबसे पहले गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने एक रास्ता बनाया। इस खुदाई से सितंबर के महीने में दूर ग्लेशियर का पानी बहता आता है और जमा हो जाता है इस कृत्रिम ग्लेशियर की जगह पर। सर, ये वो जगह है जहां आपने आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप देखिए, ये नंग विलेज है। अब यहां आप देख रहे हैं, एक तो हमने ऊपर ये डाइवर्सन चैनल बनाया है, ऊपर से वो डाइवर्सन चैनल से हम पानी को इन स्मॉल क्वांटिटी में हम रिलीज करते हैं, छोटे छोटे आउटलेट बना के इसमें रिलीज, और बीच बीच में हमने ऐसे 6-7 वॉल बने हैं। अच्छा। आज रिटेनिंग वॉल, आप इसमें देखें, इसके 3 पार्ट्स हैं, एक फाउंडेशन, एक बीच वाला, एक टॉप वाला है। तो इसमें आप नीचे फाउंडेशन देखें ना, फाउंडेशन इसमें ये चीज़ होना चाहिए, एक तो फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और फाउंडेशन के नीचे पानी लीक नहीं होना चाहिए। फिर बीच वाला हमने ड्राई स्टोन मशीन इन क्रेड वेयर में बनाया है, फिर ऊपर खाली ड्राई स्टोन मशीन है, उसके ऊपर हम थोड़ा सीमेंट कॉपिंग लगा है। आप इसमें क्या होता है, जब हम वहाँ से पानी थोड़ा सा पानी छोड़ता है, क्योंकि आपने ये फाउंडेशन बिल्कुल लेवल में है, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ पानी, जितने भी पानी है वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ इस एंड से उस एंड तक इस पानी फैलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर बनाकर छेवांग नॉर्फेल नांग गांव को भूल गए। सर्दी के मौसम में वो कई बार इस गांव में जांच करने कि कृत्रिम ग्लेशियर का ढांचा कहीं बिगड़ा तो नहीं। दिनों तक नहीं, हफ्तों तक उन्होंने किया अपने इस बनाए हुए ग्लेशियर का मुआयना। आज नांग गांव लद्दाख के सबसे विकसित गांवों में से एक है। इन वादियों के बीच यहां सभी निवासी अपने को महफूज महसूस करते हैं। और वो बेहिचक कहते हैं कि उनकी खुशी के पीछे बहुत बड़ा हाथ छेवांग नॉर्फेल का है। अच्छा, अभी देखें ना, अभी हमने आपके लिए ग्लेशियर बना है
तो इसके लिए लोग ठीक तरह से अभी देखभाल करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये वॉल गिर जाते हैं, पानी ठीक तरह से आता नहीं, इसका कुछ देखभाल करते हैं आप लोग? साहब जी, अभी पहले बहुत साल की बात नफे साहब ने बना दिया हमारा ये ग्लेशियर बहुत अच्छा, फिर वह अभी 2-3 साल ऐसे रह गया, फिर मैं एक साल में अपना खुद अपना मैं अपना मेहनत करके मैं एक साल बना दिया, पानी इतना अच्छा गया। हमारा ज़मींदार बना के बनाने के लिए हमारा सबसे ज़रूरी एक पहले तो हमारा पानी बहुत ज़रूरी साहब जी, बर्फ़ गिरता है सीज़न में तो सर्दी में तो गिरता है हमारे पहाड़ी में ऊंचा में, वो पिघलता नहीं है, फिर हमारा ये बहुत कम वो दुख साहब के माने बहुत वो अच्छा है साहब जी। तो ये आप लोग को ये इसे काफ़ी टाइम पे पानी मिल जाता है ये जब जब ये सर्दी में बनेगा साहब जी, फिर हमारा सीज़न में जब वो टाइम नहीं छोड़ता है पानी, यहाँ जल्दी पिघल के आता है, ये हमारा ज़मींदार लोग को किसान लोग को बहुत फायदा है। नॉर्फेल के चाहने वालों की उनके कदरदानों की कमी नहीं है। लेह में स्थित दो ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो लंबे समय से लद्दाख के किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक है काजरी और दूसरा है भारतीय सेना से जुड़ा दीहार यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च, और दोनों ही छेवांग नॉर्फेल की काबिलियत का लोहा मान चुके हैं। सुनते हैं इन दोनों संस्थानों के आला अफसरों की जुबानी। देखिए ये बहुत ही नोबल कार्य मैं कहता हूँ इसके लिए, मैं तो उनको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ इस काम के लिए कि हमारे इतने किसान भाई जो दूर दराज में बैठे हुए हैं ग्लेशियर से पानी लेकर के उसको यूज कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया काम है ये। उन्होंने अभी भी कोशिश जारी रखी है जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है और भी गाँव में वो डेवलप करने जा रहे हैं, और हमने उनको इन्वॉल्व किया अपने नॉलेज पार्टनर के रूप में, जो हमें एक जहाँ पर ग्लेशियर रिचार्ज कम हो गया है उन किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत हम थोड़े से बजट में एक किसान के लिए हम उनकी हेल्प लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि छोटे छोटे जिंग, यहाँ पे छोटे छोटे जिंग होते हैं जो आपके टैंक बोलते हैं पानी के तालाब, ये हम उनकी हेल्प से कैसे डेवलप कर पाएँ, ये हम उनको इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे ट्राइबल सब प्लान में भी जो बजट होता है उसमें थोड़े से बजट में यदि हम नॉर्फेल साहब की हेल्प ले सकते हैं, और उन्होंने एग्री भी किया है कि हम आपके काजरी के साथ मिलकर भी काम करेंगे। सहज प्रवृत्ति के छेवांग नॉर्फेल आज भी अपने काम को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने की 2 दशक पहले थे। हाँ, एक अफसोस जरूर है उन्हें, बढ़ती उम्र अब उतना साथ नहीं दे रही उनका। पर साथ ही वो कहते हैं कि उनके तजुर्बे से अगर किसी को फायदा मिले तो वो उसे बांटने में हमेशा तैयार रहेंगे। अभी तो देखो ना, अब मुझे ये अफसोस हो रहा है, अब मेरा एज 80 हो गया है, जिस वक्त मेरे पास एनर्जी था उस वक्त मेरे पास फंड्स नहीं था, आप लोग फंड्स दे रहे हैं लेकिन मेरे पास आप एनर्जी नहीं है, ये मुझे ज़रा कुछ अपने आप को बहुत ही महसूस हो रहा है। तो अभी देखो ना, अब तो मैं देखो ना, इन्हें एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ में आप नहीं जाने के लायक नहीं हैं, फिर भी मैं अपना ये कोशिश हमेशा मैं ये जारी रखता हूँ, कोई भी आके मुझसे कुछ फ़ायदा लेना चाहता है, मेरे कुछ गाइडेंस जो है उसके लिए मैं दिल जन से वो उनके मदद कर रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग से जूझते किसानों ने पानी के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया है। बूंद बूंद पानी का कितना महत्व है इसे समझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है छेवांग नॉर्फेल ने। ये जानकर शायद हैरानी नहीं होनी चाहिए कि छेवांग नॉर्फेल आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। दुनियादारी और चीजों का ज्यादा मोह उन्हें कभी रहा ही नहीं। छेवांग नॉर्फेल मानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली ताकत हर पल इंसान के सामने कई चुनौतियां रखती है और साथ ही देती है इनसे निपटने की सूझबूझ भी।